मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र में नाले में गिरने से युवक की मौत की खबर से सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला, लेकिन जब तक युवक की मौत हो चुकी थी। थाना प्रतापपुर क्षेत्र में एक लड़का नाले में गिरने की सोच रहा था, क्या मामला था पूरा? फायर स्टेशन प्रतापपुर को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक आदमी जो शराब के नशे में हो सकता था और कैलाश डेरी के पास में नाले की पुलिया पर बैठा किसी ने देखा था। बाद में वो जिस आदमी ने देखा था वो थोड़ा दूर को चला गया, तो वो आदमी वहाँ नहीं मिला, तो ये शक हुआ कि चिकित्सा और स्वास्थ्य को लेकर जहां केंद्र और प्रदेश सरकार सजग है, तो वहीं चिकित्सा में कोई लापरवाही न बरती जाए, इसलिए शनिवार देर शाम को सीएमओ और डीआईओ ने बिना बताए मेरठ के भूड बराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण किया गया, इसके बारे में क्या क्या यहाँ खामियां मिली और क्या ठीक मिला सर उसके बारे में? आज जो निरीक्षण किया गया है, अच्छा काम करा लेना, इसमें बिना बताए 4 बजे के बाद किया गया है, इसलिए ये देखने के लिए कि बंद होने के बाद अस्पताल की क्या लुक रहती है, और सुबह तो सब सफाई हो जाती है शाम। एक बार फिर खबर मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र से, जहां दिल्ली रोड शताब्दी नगर रिठानी के पास सिद्धार्थ नगर से दिल्ली जा रहे युवक को दो अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने बैग और मोबाइल सहित एटीएम कार्ड लूट लिया और फरार हो। पीड़ित आकाश ने तुरंत प्रतापपुर थाने पहुंचकर लूट की सूचना पुलिस को दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुवा में पुलिस की थर्ड डिग्री पिटाई से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस आरोपी को हत्या के आरोप में पूछताछ के लिए कोतवाली लाई थी। आइए आपको लेकर चलते हैं जनपद हापुड़ के पिलखुवा क्षेत्र के गांव लाखन में, जहां पुलिस द्वारा एक युवक को बुरी तरह पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद भी पुलिस एक्शन मोड पर आई और कप्तान ने तत्काल प्रभाव में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। अब हम आपको प्रकरण बताते हैं। 2-3 दिन पूर्व एक युवती के मामले में प्रदीप नामक एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसकी इतनी बुरी तरह बेरहमी के साथ पिटाई कर दी कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसको मेरठ रेफर कर दिया गया। मेरठ में उस प्रदीप ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली तो पिलखुवा कोतवाली का घेराव कर डाला। घेराव करने की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और 3 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मैं थाना प्रभारी के 3 लोगों को निलंबन कर दिया। जब इस मामले को लेकर के हमने गांव गालंद निवासियों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि पिछले माह एक युवती की हत्या हो गई थी, जिसकी छानबीन पिलखुवा पुलिस कर रही थी। इसी मामले को लेकर प्रदीप को चौकी पर बुलाया था और उसके साथ बुरी बुरी यातनाएं दी गई थी। उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। सीएमएन से हर्षद चौधरी हापुड़। युवक के परिजनों का आरोप है कि पिलखुवा कोतवाली में उस लड़के की पीट पीट के हत्या की गई है, क्या है पूरा मामला सर? ये थाना पिलखुवा के क्षेत्रांतर्गत लगभग दो माह पहले एक डेड बॉडी महिला की मिली थी, जिसको जला दिया गया था। पहचान उसकी अज्ञात में थी और अज्ञात में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस इसी में जांच कर रही थी तो कुछ लोगों पे शक हुआ और बाकी बहुत सारे एविडेंस उन लोगों के विरुद्ध में। एक लड़का कल पुलिस ने इसी के संबंध में, केस के संबंध में जानकारी के लिए थाने पर बुलाया था। थाने पर पूछताछ के दौरान उसकी हालत बिगड़ गई, उसको हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहाँ उसकी हालत में कुछ सुधार ना होते हुए उसे हायर सेंटर में रेफर कराया गया। वहाँ उसकी आज 12 बजे के बाद आज 1 बजे अर्ली मॉर्निंग तड़के उसकी मृत्यु हो गई है। सर ये भी बताया जा रहा है कि जिस युवक की मौत हुई है उसका भाई भी उसके साथ हिरासत में था, उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिसका नाम कुलदीप बताया जा रहा है। देखिए ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं आया है, किंतु इसमें जो भी पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य आएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अगर पुलिस वालों का दोष, जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध भी। जनपद सिद्धार्थनगर के बासी तहसील में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कमिश्नर बस्ती अनिल सागर ने तहसील बासी व विकास खंड बासी का निरीक्षण किया। उनके साथ डीएम दीपक मीणा, एसपी विजय ढुल व अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा एसडीएम बासी शिवमूर्ति सिंह मौजूद रहे। क्या पूरा मामला? आज शासन के निर्देशों के क्रम में नोडल अधिकारी के रूप में जिले के निरीक्षण करने में आया था और इसमें सबसे पहले तहसील बासी और उसके बाद विकासखंड बासी निरीक्षण किया था। तहसील बासी निरीक्षण में ये पाया गया था कि कुछ फाइल्स हैं काफ़ी खारिज की और वो कई समय काफ़ी समय से लंबित, जो बोर्ड ने निर्देश दिया उससे भी ज़्यादा समय से लंबित निर्देश दिया था कि
फाइलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कई पैमाइश के केस हैं जिसमें बार बार शिकायतें आती हैं कि पैमाइश समय से नहीं जा रही, उसमें निर्देश दिए कि पैमाइश के लिए एक अभियान चला रहे और जहां पर पत्थर नसब करने की जरूरत है उसको आदेश हो चुके हैं उनको भी किया जाए। इसके साथ ही साथ तहसील में अन्य समस्याएं भी थी जिसमें कई फाइल्स अपडेटेड नहीं थी, कुछ लोगों के रिकॉर्ड्स अपडेटेड नहीं थे, उनको भी कहा है कि वो रिकॉर्ड्स अपडेट करें। इसके बाद ब्लॉक का निरीक्षण किया गया और ये बताया गया कि काफ़ी बड़ी संख्या में धनराशि पड़ी हुई थी बीआरजीएफ में जो पिछले कई सालों की अपनी पड़ी हुई है। इसमें जिला स्तर पर जाँच चल रही है, निर्देश दिया गया कि जाँच पर शीघ्र पूर्ण हर डे जाए और दूसरे दिन निधान। महोबा जिला के पनवाड़ी कस्बा में सक्रिय चोर गिरोह ने एक बार फिर पनवाड़ी पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था में छेद करते हुए व्यापारी के मकान को निशाना बना डाला। मकान के अंदर से लाखों की चोरी करने में सफलता हासिल की है। पीड़ित गृहस्वामी की सूचना पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर औपचारिकताएं पूरी की। चोरी हुई भाई साहब की? ये पहली मंजिल में चोरी हुई। वहाँ आसपास कितने कमरे हैं? वहाँ कोई हम लोग घर में कुल 5-6 लोग ही हैं रहने वाले, पिताजी मम्मी हम और हमारी पत्नी दो छोटे बच्चे, ज्यादा लोग रहने वाले हैं ही नहीं और कोई है नहीं। नहीं और पांच फैमिली तो नहीं और उस कमरे के अगल बगल कोई सोता नहीं। देवरिया बैंग बैंग सीजन 2 नृत्य गायन प्रतियोगिता के ग्रैंड फिनाले का आयोजन राज डांस एकेडमी व रेक्स डांस एकेडमी के तत्वाधान में रविवार को संपन्न हुआ। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर मुख्य अतिथि अभिषेक पांडे, रूपक प्रतिनिधि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के कर कमलों द्वारा की गई। महोबा थाना पनवाड़ी के अंतर्गत ग्राम बुढ़ेरा में हर वर्ष की भांति शरद पूर्णिमा के दिन विशाल दंगल का आयोजन किया जाता है जिसमें दूरदराज से आए पहलवानों ने अपने अपने दाव पेश दिखाए। वहां पहुंचे हजारों की संख्या में दर्शकों ने तालियां बजाकर पहलवानों की हौसला अफजाई। कुछ पहलवानों की कुश्तियां बराबरी एवं कुछ निर्णायक मोड़ पर विजय पहलवान अरविंद कुमार बुढ़ेरा जिन्होंने धमाका पहलवान लखनऊ को पराजित किया, मेघराज पहलवान मस्त गांव ने मोहन लाल पहलवान चित्रकूट करवी को पराजित किया, वहीं धर्मेंद्र पहलवान अकोला ने मुकेश पहलवान कानपुर को पराजित किया।